हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। R2 डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एयरफोर्स का रिजल्ट कब आने वाला है इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, हम लोग काफ़ी कोशिश कर चुके हैं, ट्विटर कैंपेन भी चलाएं जो कि ट्रेंडिंग पे चला गया है, और एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग मेल किए, नंबर कॉल भी किए, और कोई मतलब वही चीज़ें बार बार चेकिंग देयर ईमेल एंड CSB पोर्टल रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग करते रहिए। गाइस, थोड़ा धैर्य बनाइए और इस महीने के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो भी आने का चांस है कि आ जाएगा। और इनरोलमेंट लिस्ट, गाइस आपका रिज़ल्ट ही नहीं, इनरोलमेंट लिस्ट भी रुका है, जो कि व्यक्ति सब कुछ दे चुका है, बस ज्वाइनिंग के लिए रुका है। देखिए कितना दुख होता है। मेरे एक प्रिय मित्र हैं जिनका सब कुछ हो गया है और उनका ज्वाइनिंग के लिए रुका है और इनरोलमेंट लिस्ट भी नहीं आ रहा है, तो उनको भी दुख है। और हमसे मिलते हैं तो बार बार कहते हैं कि क्या हुआ, क्या कब आएगा इनरोलमेंट लिस्ट, बताओ ना। तो मैंने कहा कि भाई, तुम्हारा सब कुछ हो गया है, बस ज्वाइनिंग रुका है, तो घबराओ मत, जल्द ही कुछ ना कुछ अपडेट आएंगे ही। और मैं बता दूं आपको, इस महीने में ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट आएंगे, या तो कोई नई खबर हो, या देखिए इनरोलमेंट लिस्ट ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं, नई वैकेंसी भी जुलाई में आने वाली थी नेवी की, वो भी नहीं आई, क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम होता था जो जुलाई में आती थी वैकेंसी। ठीक है, तो काफ़ी मतलब दुख की बात है ये सब। तो गाइज, आप घबराएं नहीं, मैं इस वीडियो के बनाने का मकसद यही था कि आप घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें, थोड़ा इस महीने तक धैर्य बनाए रखें, कुछ ना कुछ सितंबर महीने तक आप धैर्य थोड़ा बनाए रखिए, देखिए कुछ ना कुछ होता है, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। साथ में GK GS GK और करेंट अफेयर और रीजनिंग भी, अर्थमैटिक थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि 25,000 वैकेंसी जो है आने वाली है UPP में। यदि आपकी लंबाई 61 सेंटीमीटर है और आपका एज है यदि 18 से प्लस हो गया है, तो आप उस फार्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा। 25,000 वैकेंसी है UPP में, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल में, आप ज़रूर फिलअप कीजिएगा ताकि आपको एक चांस मिले UPP का एग्ज़ाम देने के लिए। गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एयरफोर्स नेवी से पल पल अपडेट के लिए। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बनाना है बाबू, धैर्य बनाकर रखिए, आ ही जाएगा, आज नहीं कल।